सर फिल्म आई है पठान और उसमें हीरो हैं शाहरुख खान और हीरोइन है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने जो वस्त्र पहने हैं वो भगवा कलर के हैं और जो हिंदूवादी ताकतें हैं जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये भगवा कलर हमारा है और उसका अपमान किया गया है फिल्म में। देखिए ऐसा लगता है कि भगवा कलर को छोड़ करके बाकी जो अन्य 12 कलर हैं वो इस देश के हैं ही नहीं, वो दूसरे देशों के हैं। अब ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि ये आप इस वजह से इस इशू को ले रहे हैं इस पिक्चर के, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में जो सवाल उठ रहे हैं अभी महंगाई को लेकर के और उसको लेकर के बेरोजगारी को लेकर के अर्थव्यवस्था को लेकर के और ख़ासतौर पे जो करंट इश्यूज दो आए, एक तो ईवीएम आए गुजरात में, जो ईवीएम से जिस तरह से बीजेपी ने खेल किया है तो बीएसपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर सवाल पूछा था और ये एकदम करंट इशू जो चाइना का इशू आ गया, चाइना इंडिया का जो झगड़ा हुआ है उस पर जवाब ना देना पड़े, जो पूछ रही है विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि भाई आप जवाब दो उस पर कि इस तरह की घटनाएँ क्यों हुई और क्या इसके ऊपर है और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं दूसरी तो सरकार बच रही है अपनी जवाबदेही से और वहाँ पर सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। और तीसरा एक मुख्य कारण ये है कि जो 30 से और 40 बिल अभी करंट उसमें पड़े हैं जिसमें कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, एक जनसंख्या नियंत्रण बिल है और जो ये 4 लेबर कोड जो मजदूरों के इन्होंने बना के लागू करने की बात है उसके ऊपर है, तो ये उन पर बात नहीं बहस नहीं करना चाहते। असल मुद्दे से भटका करके और अब उसको, जबकि इतनी सारी वीडियो आ गई उसके बाद इनके जो सांसद हैं जो भोजपुरी पिक्चर के अभी MP हैं मौजूद तिवारी जी वो खुद डांस कर रहे हैं, वो उस तरह का उसमें पहन के अक्षय कुमार हैं और जो नवनीत राणा है वो खुद इसके विरोध कर रही थी इसका दीपिका पादुकोण का, तो उसका खुद एक वीडियो आ गया, वो खुद हीरोइन रही हैं तो उनका भी भगवे में पूरा पहन करके ऐसे कपड़ों में और अजीब सा सेक्सी टाइप का डांस वो आ गया भगवे में करके, तो ये तमाम। और फिर स्मृति ईरानी जी का जो भी मंत्री हैं नेता हैं, कभी ज़माने में वो रही होंगी जब वो नई आई थी, वो उसमें फैशन शो में अपने कैटवॉक कर रही हैं उसमें भी उन्होंने उस तरह के कपड़े पहने हैं, तो ये देखिए ये कोई किसी का वो ब्रांड नहीं है और इसको आप जानबूझ करके उछाल रहे हो। पहली बात तो ये कि हिंदुओं में अलग अलग कलर हैं, हिंदुओं में अपने देवताओं कलर तो बटे नहीं है, नहीं को आजादी है कुछ भी पहने कुछ भी खाए, संविधान में भी कुछ इस तरह का वो नहीं है, सारे कलर कोई भी कैसे ही पहन सकता है, कोई भी किसी तरह के कलर को। अब ये तो बहुत खतरा हो गया, एक तरफ तो आप इस तरह ये कलर की बात करके तो हमारी जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, जिनका लाखों लाख गज जो है वो कपड़ा बना हुआ है ऑरेंज कलर का जिसको आप भगवा कह रहे हो वो पूरे बर्बाद हो जाएगी, पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। प्लस सबसे खतरनाक ये बात हो गई कि जैसे पद्मावत से लेकर के और अभी तक ये जो इसमें ऑरेंज कलर को लेके भगवा को लेके आपने जो विरोध कर दिया अननेसेसरी बिना किसी बात के, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में कौन पैसे लगाएगा, फिर हजारों हजार लोगों का सपना टूटेगा, नौजवानों का जो नौजवान फिल्म एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जो नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, इतना सारा रोजगार ख़त्म होगा, प्लस देश की अर्थव्यवस्था पे एक व्यापक बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ने वाला है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा इस सब चीज़ों के लिए। एक तो क्योंकि शाहरुख खान से ये पहले से खफा थे, शाहरुख खान के खिलाफ ये मुस्लिम होने के नाते इनका द्वेष था, प्लस मुस्लिम होने के नाते भी नहीं, शाहरुख खान इनके चंगुल में नहीं फंसे या इनकी बात नहीं सुनी या इनको कुछ धन पैसा वैसा जो आता है वो नहीं दिया, उस वजह से कोई जाति दुश्मनी थी। प्लस दीपिका पादुकोण उसको एक टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहे हैं खुला करके कि JNU में इन्होंने स्टूडेंट्स के पक्ष में बोला था जब कन्हैया आंदोलन चला था, तो दीपिका से तो इनकी पुरानी दुश्मनी थी जिसके कि वो मौका ढूंढ रहे थे किस तरह से इसको वो करें। दूसरी बात ये कि अगर आप दीपिका ने फुटबॉल ट्रॉफी का भी अनावरण किया है जाकर के, ये तो बहुत मान सम्मान की बात है ना, उसको तो और सम्मान का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको जो पब्लिसिटी मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया बुला करके उसका अनावरण करवाया फीफा वर्ल्ड कप के उसकी ट्रॉफी का, ये तो हमारे लिए बहुत मान सम्मान की बात है, हमारे देश के एक हीरोइन को बुला करके जबकि हमारी फुटबॉल टीम भी उसमें नहीं है उसके बावजूद भी हमें बुलाया और पूरे दुनिया ने उसको देखा, एक लड़की इतना हमारा मान सम्मान बढ़ा रही है देश का। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, अगर आपको आपका अगर रियल में अगर आपका कोई विरोध था इस पिक्चर से कि भाई कोई ऐसा असली हरकत हुई है या झंडे के उसमें, तो देखिए सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है भारत सरकार ने और सेंसर बोर्ड में आज की तारीख में मौजूदा पांचों मेंबर इंक्लूडिंग जो चेयरमैन है उनको मिला के पाँचों BJP के बड़े नेता हैं और एक सदस्य तो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री जी, तो ये जब तुम्हारे ही लोग वहाँ बैठे हैं तो उनकी ड्यूटी सेंसर बोर्ड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बनाई है सरकार ने कि वो देखे कि हमारा देश अलग अलग
वर्गों का, भाषाओं का, जातियों का, कल्चर का देश है, इसमें किसी की भावना आहत ना हो, तो इसलिए सेंसर बोर्ड की ड्यूटी है जब नई कोई पिक्चर बनती है, जब उनके पास आती है, तो रिलीज़ होने से पहले सेंसर बोर्ड पूरी इन्वेस्टिगेट करके, देख करके, एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करके जब रिलीज़ होने का सर्टिफिकेट देता है, जब उसको रिलीज़ होने का सर्टिफिकेट मिल गया कि पिक्चर बिल्कुल ओके है भैया, रिलीज़ हो सकती है, तो अगर किसी की कोई तकलीफ है तो हीरो हीरोइनों को टारगेट कर रहे हो भाई, और आप सेंसर बोर्ड को बोलो, सरकार को लिखो। और सबसे मेन बात यह है कि हीरो हीरोइन जो होते हैं किसी पिक्चर के, वो एक तरह के एम्प्लॉय होते हैं, उनको तो पैसा मिलता है उस काम का, और उसको क्या पैसे, क्या पहनना है, क्या बोलना है, किस तरह डांस करना है, वो सारी एक्टिंग कैसे करनी है, वो सबके अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर अलग होते हैं, और उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर आप क्लेम करो, उनके खिलाफ करो। हीरो हीरोइन को या किसी और साइड हीरो को या किसी वर्कर को टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, वैसे मैं इसमें धार्मिक मामलों में साधु संतों के इसमें अवॉइड ही इसको करें कि इस पर ना बात करें, हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो नेता हैं, उनके साथ जो भी नेता हैं, एमपी हैं और उनके मंत्री भी हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से आए, उन्होंने भी अपने अपने समय पर भगवा को पहन करके, ये तो एक सेकेंड का या दो चार पाँच सेकेंड का एक शॉट था खाली, वो खाली ये नहीं था कि पूरी पिक्चर में उसने वही कॉस्ट्यूम पहना, वो तो एक एक सेकेंड में बदल रहे थे, वो तो पूरा गाना है और अलग अलग कलर बदल रहे थे, तो लेकिन उनके तो जो हीरो हीरोइन जो अभी मंत्री हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही उस तरह के वो भगवा पहन के बड़े बड़े खतरनाक डांस करें, अभी ट्विटर पे और किस किस पे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही, और रवि किशन ये समा अपने तिवारी जी ये तमाम ये तो बियर पी करके क्या हो गया, वो ऐसा डांस है कि उसमें भगवा पहन करके, मनप्रीत राणा ये नवनीत राणा ये महिला, इस तरह से देखो, इस तरह बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध है, लोगों के अधिकारों के विरुद्ध है, और इस तरह की जो आप विरोध कर रहे हो। और दूसरा, ये फिल्म इंडस्ट्री को बहुत घातक होने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी किसी भी हालत में अपना पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई बर्बाद होने के लिए थोड़ी ना करेगा। देखो कोई ना कोई रंग है, अब हमारा भी रंग है, आसमानी रंग है, हमारे तो साधु संत कहते हैं कि जी हमारा वाल्मीकि समाज का तो आसमानी रंग है, हमारे तो भगवान वाल्मीकि जी का धर्म का आसमानी रंग है, तो फिर हम भी कल को कोई आसमानी पहनेगा तो हम भी डंडे लेके खड़े हो जाएंगे। तो कोई किसी का काला कलर है, कोई पीले कपड़े पहनता है, आपको पता पीला, किसी का सफ़ेद, धार्मिक अलग अलग कलर हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं उनको असली करना चाहिए असली तो विरोध, क्योंकि बुद्धिस्ट होगा वो कहते हैं पहले चीवर जो पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहना, वो भगवा ही था उसको, और भगवा उनका मेन धार्मिक कलर तो उनका है, जबकि हिंदुओं का कोई एक पैट रंग नहीं है, ये भगवा, ये जो रंग है ये आरएसएस का एक संगठन का है, तो वो संगठन का कलर है ना कि भारत का कलर, इसका हिंदू धर्म का कलर है। इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई फिर तो इनकी सबकी अपनी अपनी दावेदारी इनसे मांगनी पड़ेगी सरकार को, कि भाई अपनी अपनी दावेदारी दे दो, किन किन के कौन से कलर हैं। और दूसरी बात ये, सबकी दावेदारी आ जाए, कोई भी कलर अछूता नहीं है, और एक एक कलर तो 10-10 संगठनों के, 10-10 धार्मिक धर्मों के होंगे, धर्म भी हमारे साथ बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो वो धर्मों के होंगे, तो वो धर्म तो फिर कहेंगे फिर तो कोई रंग ही नहीं पहनेगा, कोई पिक्चर बनेगी नहीं, फिर कैसे बनेगी, या तो कोई ऐसा कलर दूसरा निकालना पड़ेगा कि वही पहन करके वो होगा, क्योंकि हर कोई आप कोट पैंट हर चीज़ शर्ट, चाहे वो साड़ी हो, चाहे सूट हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, हर तरह के, और ऐसा नहीं कि इन्होंने जो छोटे कपड़े पहने हैं वो पहली बार पहने हैं, वो तो पहले से चली आ रही है, और इतने सारे पुरानी फिल्मों में भी वो इस तरह की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, और ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में भी इस तरह की वो ड्रेसेस पहनी हुई हैं, मुझे याद है बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें इस तरह की, इससे भी छोटे कपड़े और उस तरह के स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाना या झरने के नीचे नहाते हुए दिखाना, एक साड़ी उड़ा के अंदर कुछ नहीं है, तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे सीन हैं। और कोई भी अगर वो बना रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो ये कॉमर्शियल सिनेमा है, ये कोई वो धार्मिक या सामाजिक सिनेमा नहीं है कि जो कि वो आप सरकार पैसा दे रही है बनाने को। एक आदमी अगर पैसा लगा रहा है तो पैसा व्यवसायिक है, वो उसमें पैसे कमाने के लगा रहा है। अब आप किसी को घूंघट पिना के बैठा दो कि थोड़ी कोई देखने जा रहा है पिक्चर को, तो उसमें उनको मसाला भी डालना, ऐसा मसाला जो कि वहाँ पर लोगों को पसंद आए, लोग जाएँ वहाँ पर देखने, उनका पैसा ही वसूलो, तो तभी इंडस्ट्री चलेगी। लाखों लाख लोगों का इससे बिजनेस चलता है, इससे फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक है जी, तो इस विरोध का मैं बिल्कुल कंडम करता हूँ कि विरोध नहीं होना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए, और किसी कोई शिकायत है तो सेंसर बोर्ड और भारत सरकार के पास जाएँ।